Hello everyone, welcome to my YouTube channel Style with Nivedita. So guys, I'm at the lovely Gopinath Bordoloi airport and this is my first time, this is gonna be my first time flight experience and I'm so excited yet so nervous. कि मतलब फर्स्ट टाइम है मेरा तो मैं थोड़ा घबरा रही हूँ. वैसे मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख के आई हूँ ना अबाउट द प्रोसेस कि क्या करना पड़ता है एंड वगैरह, बट स्टिल थोड़ा नर्वस हो रही है. अभी मैं इतनी जल्दी पहुँच गई हूँ कि मतलब मेरा अभी कुछ हुआ ही नहीं प्रोसेस. एक्चुअली मैं नाइट सफर में आई थी डिब्रूगढ़ से, तो मैं 6 बजे पहुँच गई थी गुवाहाटी ISBT, तो वहाँ से मैं सीधा एयरपोर्ट चली आई और अभी तक मेरा बैग स्क्रीनिंग वगैरह भी कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि मैं इतनी जल्दी हो गई. उन लोगों ने बोला कि 8:45 को होगा, अभी 8 बज रहा है, तो मैंने सोचा अभी बैठी ही हूँ तो क्यों ना एक ब्लॉग हो जाए तो अबाउट माय फर्स्ट टाइम फ्लाइट एक्सपीरियंस कैसा जाएगा क्या करेगा. अभी तो वेटिंग कर रही हूँ, अभी तो बहुत टाइम है. मेरा फ़्लाइट 11:45 को है बट मैंने सोचा रिस्क वगैरह नहीं लेते, सीधा एयरपोर्ट पर जाके बैठते हैं, बाकी देख लेंगे. तो अभी तो बहुत टाइम है मेरे फ्लाइट को, अभी तक कुछ वो बैग स्क्रीनिंग वगैरह भी स्टार्ट नहीं हुआ है. तो मैंने सोचा बैठी हुई हूँ तो एक ब्लॉग बना लेती हूँ, थोड़ा घूम भी लेती हूँ और एयरपोर्ट भी देख लेती हूँ. तो यार गाइस, मैं बार बार जाके बैग स्क्रीनिंग के वहाँ पे मतलब जा रही हूँ कि स्टार्ट हो गया है कि स्टार्ट हो गया, पर स्टार्ट हुआ ही नहीं अभी तक, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा फ्लाइट 11:45 को है और ऑब्वियसली इतनी जल्दी. एक्चुअली मैं नर्वस हो गई थी कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ ये सब प्रोसेस करने में, कहीं मेरा फ़्लाइट ना छूट जाए, ये सब नर्वसनेस में मैंने सोचा कि सीधा एयरपोर्ट ही आ जाती हूँ. और मैं पूरी राइट नाइट सुबह में आई, तो मेरी आँखें भी देख सकते हो कितने पता ही चल रहा है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है. पर अभी पीछे ही बैग स्क्रीनिंग का वहाँ सब होगा, तो मैंने सोचा चलो यही बैठ जाती हूँ, बार बार देखने से अच्छा. वैसे मैं उस साइड बैठी थी, मैंने सोचा यही बैठ जाती हूँ फिर पता भी लग जाएगा अगर स्टार्ट होगा तो. यहाँ पर वैसे आगे टी एक्सप्रेस वगैरह ये सब भी है, तो मैंने सोचा ये सब देखते देखते टाइम में चला जाएगा शायद. तो अभी यहाँ पर बैठी हूँ, वैसे तो बोर हो रही हूँ सच बताओ तो. अच्छा हुआ मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैं इतनी बोर हो रही थी, एटलीस्ट ब्लॉग के चक्कर में थोड़ा टाइम तो निकल जाएगा मेरा. ओके गाइस, फाइनली मेरा बैग स्क्रीनिंग चेक इन वगैरह सब हो गया है और मैं अभी बैठी हूँ. तो इतना टाइम वेट करने के बाद स्क्रीनिंग वगैरह सब कुछ हो गया, बैग चेक इन वगैरह हो गया और मुझे मेरा पास भी मिल गया है मतलब टिकट. तो अभी बस मुझे जाना है, तो अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ. सब प्रोसेस करने के बाद फर्स्ट फ्लोर पे अभी मैं मुझे अभी भी वैसे 1.5 घंटा वेट करना होगा. तो फर्स्ट फ्लोर पे बैठी हूँ और मुझे गेट नंबर 6 थोड़ा आगे है और मैं जाके देख के आई हूँ ना कहाँ है, तो वहाँ से मुझे गेट नंबर 6 से जाना होगा. और अभी मैं थोड़ा पीछे बैठी हूँ क्योंकि अभी भी तो बहुत टाइम है मुझे वेट करने के लिए. और अभी लेकिन मैं एटलीस्ट रिलैक्स हूँ कि बैग स्क्रीनिंग और जो चेक इन वगैरह जो प्रोसेस था जिसके लिए मैं इतने नर्वस और डर रही थी वो हो गया. वो वैसे बहुत ईजी है, यहाँ के स्टाफ मेम्बर्स बहुत फ्रेंडली और बहुत ही मतलब अच्छे से सब कुछ बता रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है. सो मैं ऐसे ही डर रही थी. वैसे मैं जब बैग चेक इन कर रही थी तो मेरे बैग के अंदर मेरा मेकअप फिक्सर निकला, तो वो लोग बोल रहे थे कि ये क्या है. फिर मैंने उनको दिखाया कि हाँ ये मेकअप फिक्सर है, तो उन लोगों ने बोला ओके, फिर मुझे लेके आने दिया मेकअप फिक्सर. तो सब कुछ हो गया, अभी बस मैं यहाँ बैठी हूँ और अभी 1.5 घंटे है तो वो तो कट जाएगा गाना वाना सुन के सॉरी. और इस साइड फूड काउंटर भी है तो मैं वहाँ भी जा सकती हूँ अगर मुझे भूख लगेगी. वैसे भूख तो नहीं लगी है बट अभी तो वेट करना पड़ेगा, बट ओके
गाइस, तो ये है फर्स्ट फ्लोर का व्यू जो जहाँ मैं बैठी हूँ. मैं एकदम पीछे बैठी हूँ एक्चुअली, और उस साइड से गेट नंबर फोर फाइव से आई थिंक यहाँ पे है, तो उस साइड से मुझे जाना होगा. तो मैं वहाँ देख के आई हूँ ना कहाँ जाना होगा, ताकि मैं बाद में हड़बड़ी ना करूँ और नर्वस ना हो जाऊँ. तो इस साइड से मैं आई थी, तो उस साइड से आके अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ गाइस. सो गाइस, अभी मैं गुवाहाटी टू बेंगलुरु फ्लाइट पे आ गई हूँ. अभी मैं बेंगलुरु एयरपोर्ट पे हूँ. तो एक्चुअली टू फ्लाइट्स मुझे जाना था, तो अभी 5:30 को मेरा नेक्स्ट फ्लाइट है. तो फिर मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ. ये एयरपोर्ट इतना सुंदर है ना गाइस, इतना सुंदर है. मेरा मतलब मन दिल आ गया इस एयरपोर्ट पे. अगर मेरे साथ कोई होता ना, तो पक्का मैं बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचवाती और बहुत सारे वीडियोज़ बनाती. पर मैं सोलो हूँ, कोई है नहीं मेरे साथ कि मेरे फ़ोटो वगैरह खींच दे. मुझे इतना बुरा फील हो रहा है ना, क्योंकि इतने सुंदर है. वैसे मैंने चेंज भी कर दिया, क्योंकि मुझे इतना वो इरिटेशन जैसा लग रहा था. तो मैं पूरा फ्रेश हो गई हूँ और मैंने चेंज भी कर लिया है. अभी थोड़ी देर यहाँ बैठूँगी, फिर जब मेरा अभी भी 2 आवर है, तो 2 आवर के बाद मेरा नेक्स्ट फ्लाइट है. तो थोड़ी देर बैठती हूँ, क्योंकि मैं बहुत मतलब वो सफिस्टिकेटेड टाइप फील कर रही थी. तो अभी थोड़ी देर बैठूँगी, फिर जाऊँगी सारे प्रोसेस के लिए. सो गाइस, दिस इज़ द होल बेंगलुरु एयरपोर्ट. एंड आई थिंक यहाँ पे चेक इन प्रोसेस हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है मुझे नहीं. हाँ, वहाँ पर लगेजेस के लिए वो हो रहा है शायद. तो ये है पूरा एयरपोर्ट, और उस साइड से शायद एंट्री होता है, क्योंकि मेरा एंट्री तो अलग साइड से हुआ था, तो मुझे आइडिया नहीं है. तो ये है पूरा एयरपोर्ट, आप देख सकते हो गाइस. यू कैन सी द डेकोरेशन, द आर्किटेक्ट एंड ऑल, इतने सुंदर है. काश मेरे साथ कोई होता यार, मैं पक्का फोटो वगैरह खिंचवाती यार. तो गाइस, अभी मैं उस साइड से एंटर करके अभी आगे जा रही हूँ. तो इस साइड आप देख सकते हो, यहाँ ये भी बहुत सुंदर है, और यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए बहुत अच्छी जगह थी. सच में वो लोग खींच भी रहे हैं, लेकिन मेरा भी बहुत मन कर रहा है, लेकिन कोई नहीं है मेरा फ़ोटो खींचने के लिए. बट ओके, तो अभी इस साइड से आगे जा रही हूँ. मुझे पता नहीं है क्या करना है, कहाँ जाना है, पूछ के आगे बढ़ते जाऊँगी.
फाइनली यहाँ बैठ गई हूँ। इतना मुझे घूम फिर के आना पड़ा, ये एयरपोर्ट इतना बड़ा है और मैं इतना कंफ्यूज थी। फाइनली मुझे एक दोस्त मिला था जिसके साथ मैं बातें करते करते आ रही थी, पर फिर क्या हुआ, हम लोगों का गेट्स ऐसे चेंज हो गया, तो अभी फिर से मैं अकेली पड़ गई हूँ। तो अभी यहाँ बैठी हूँ, इतना घूम फिर के आई मैं, वो एयरपोर्ट घूम के ही थक गई। और ये पूरा मेरा स्कूल बैग भी मैं कंधे पर ले लेके मेरे कंधे भी दर्द कर दिया। अभी मेरा सिर्फ 1 आवर है, मुझे ये ढूंढने में इतना टाइम लग गया गाइस कि देखो 2 आवर का टाइम था मुझे ये सब ढूंढने में, चेक इन करने में, बैग फिर से वो चेक इन हुआ, फिर ये सब करने में, फिर से वो प्रोसेस, और फिर आने में मेरा देखो 1 घंटा लग गया। अभी 1 घंटा है, मैं कुछ खाऊंगी और उसके बाद फिर हो जाएगा टाइम। सो गाइस यहाँ से व्यू भी दिखता है, यू नो फ्लाइट लैंडिंग एंड फ्लाइट टेक ऑफ जो लेते हैं, आई थिंक उस साइड ही लेता है, तो मैं उस साइड से ही अभी आई, तो यहाँ से व्यू भी दिखता है तो अच्छा है। और यहाँ से आप देख सकते हो पूरा एयरपोर्ट जो है, और यहाँ पर सारे पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं। और उस गेट से D8 D9 जो लिखा है, मुझे उस गेट से जाना है, बट अभी बहुत टाइम है तो मैं अभी थोड़ा सा वेट करूँगी गाइस। सो गाइस अभी मैंने चिकन मफिन और कोक लिया है खाने के लिए, वो ही खाऊँगी क्योंकि मैं बहुत भूख लगी थी, सुबह से कुछ नहीं खाया। सुबह मैंने सिर्फ एक पैकेट चिप्स खाया था और उसी से मतलब पूरा दिन मेरा चला गया। और अभी 4:30 हो गया, कुछ खाया नहीं मैंने क्योंकि मुझे फ्लाइट का मतलब फ्लाइट में मुझे थोड़ा ना कुछ अजीब सा लग रहा था, तो मुझे खाने का मन नहीं किया क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम ही था। मैं डर भी रही थी और मुझे थोड़ा चक्कर जैसा भी लग रहा था, मेरा सर बहुत भारी भारी लग रहा था, पता नहीं क्यों। बट अभी लाइट हो गई है तो शायद भूख की वजह से भी हो सकता है, तो अभी मैं खा लेती हूँ ताकि यू नो फिर से जब जाऊँ तो मुझे ऐसा कुछ ना हो। बहुत ब्यूटीफुली सजा के दिया है, पर अभी खाऊँ कैसे वो पता नहीं। भूख लगी थी मुझे बहुत तेज, शायद अभी थोड़ा आराम मिले। सो गाइस खुद की सेल्फी कैमरा ऑन करके अभी मैं अपना वीडियो ले रही हूँ दूर से, क्योंकि मुझे सच में दूर से वीडियो लेना था, इतना ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है ये। मैंने जो कैन लिया था वही कैन रख के वहाँ पे फोटो फ़ोन को अपने यू नो रख के फिर मैं वीडियो कर रही हूँ। आप देख सकते हो ना पीछे इतना सुंदर है, इससे भी ज़्यादा सुंदर थे जो उस टाइप के थे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे गेट के पास आ गई हूँ तो अभी यहाँ से नहीं जाती हूँ क्योंकि 1/2 आवर ही बाकी है मेरा। अभी 1/2 आवर का बाद तो मेरा वो फ्लाइट टेक ऑफ हो जाएगा, और तो फिर अभी यहीं रुकते हैं, उस साइड नहीं जाते हैं। अगर चांस मिलता तो वीडियो बनाती हूँ उस साइड भी मैं। सो गाइस मैं कोची पहुंच गई हूं और अभी बहुत ज़्यादा थक गई हूं क्योंकि होल डे मैंने ट्रैवल किया है, तो अभी सीधा होटल जाऊंगी और फ्रेश होंगी, फिर सोचेंगे कि कहां जाना है। सो अभी पहुंच गई हूं कोची, तो ये थे मेरे फ्लाइट एक्सपीरियंस कि कैसे मैं गुवाहाटी से कोची तक आई। सो यहां मैं वीडियो को एंड करती हूं। सो बाय बाय गाइस, होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।